वेलकम वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल जी। व्यूअर्स कैसे हैं, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की मेरी रेसिपी है कमर्शियल तरीके से केचप घर में हम कैसे बना सकते हैं। और मेरी बहनें या मेरे भाई को बिजनेस करना चाहते हैं, मौजूदा दौर में हालात सभी के बहुत मिस के नाजुक हैं, जो हालात चल रहे हैं आपको पता ही है। तो हम छोटा छोटा सा कोई बिजनेस, कोई काम इस तरह का शुरू करके तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा सा अर्न कर सकते हैं। यानी आज की जो मेरी रेसिपी है इसमें मैंने टमाटर सिर्फ 2 kg यूज़ किए हैं, जिसमें 500 ग्राम के 5 बोतल मेरे पास तैयार हो गई हैं। देखा जाए तो ये तकरीबन कमर्शियल लेवल पे 500 से लेके 600 तक का 1 kg का पैक मिलता है, जिसमें के टमाटर नाम की चीज़ नहीं होती है, आपको पता है वो सिर्फ केमिकल होता है। हमने प्योर टमाटर यूज़ करते हुए किस तरह केचप बनाना है और कौन कौन से केमिकल इसमें डालने हैं, केमिकल का नाम सुनते हुए आपने घबराना नहीं है। ये केमिकल सिर्फ प्रिजर्वेटिंग के लिए होते हैं, यानी इसको सारा साल के लिए हम किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। तो मेरी आज की रेसिपी है कि सारा साल के लिए हम केचप को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। केचप बनाने के लिए मैंने रेड से टमाटर इस तरह के बड़े से आपने लेने हैं पके हुए, और इसको धो के मैंने इसका टॉप जो है वो काट दिया है। तो बस जल्दी जल्दी से हम इसको काट लेते हैं। जिस पैन में या जिस कढ़ाही में, जिस भी बर्तन में आपने पकाना है, तो उसमें इस तरह 4 कट्स लगा के इनको डालते जाएंगे। सिर्फ 4 कट्स ही लगाने हैं, ज़्यादा बारीक आपने नहीं करना। हमने पकाने के बाद इनको ब्लेंड करना है, तो ज़्यादा बारीक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो हम सिर्फ इस तरह 4 कट लगाते हुए सारे काट लेते हैं। टमाटर मैंने सारे के सारे कुछ इस तरह से काट लिए हैं, तो बस हमें इतने ही चाहिए थे। टमाटर मेरे 2 kg हैं, जो मुझे पर kg 40 यानी 80 रुपये में 2 kg टमाटर पड़े हैं। तो चले पकाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है और फ्लेम को कर लिया ऑन। तो इसी स्टेज पे सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी 6 से 7 अदद लहसुन के जोए, इस तरह से हमने इसको काटना नहीं है। और 3 अदद दालचीनी के स्टिक ये मैं डाल देती हूँ इसमें। साबुत हम इसमें से निकाल लेंगे, इसको हमने ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसी स्टेज पे मैं 1.5 कप तकरीबन पानी ये इसमें डाल देती हूँ और अच्छा सा बॉयल आने का वेट करती हूँ। तो जैसे ही बॉयल आता है तो मैं दिखाती हूँ आपको। पानी जो मैंने डाला था इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ गया है, ये देखिए आपको बबल नज़र आ रहे होंगे। तो बस इसी स्टेज पे ढाँक के मैं इसको छोड़ देती हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, यानी दम वाली आंच से थोड़ा सा ज़्यादा करते हुए इसको मैं ढाँक देती हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने के बाद ही हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो मैं ढाँक देती हूँ इसको 15 मिनट के लिए। टमाटरों को पकते हुए तकरीबन 15 से 16 मिनट हो गए हैं, तो चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह देखें कि पानी इन्होंने अपना भी खूब सारा छोड़ा है और टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं जिस तरह के हमें चाहिए थे। तो इस स्टेज पे दालचीनी जो हमने डाली थी 3 अदद स्टिक वो मैं निकाल लेती हूँ। 1 अदद जो रह गया है वो भी हमें मिलता है, तो हम उसको भी निकाल लेते हैं। तो फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ और इसके ठंडा होने का वेट करती हूँ। गरम हमने इसको ब्लेंड नहीं करना, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो फिर हमने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करना है। तो ये दालचीनी एक और मुझे नज़र आ गई है, तो ये भी निकाल लेती हूँ। दालचीनी को कभी भी आपने ब्लेंड नहीं करना। तो फ्लेम को कर दिया है ऑफ, तो ठंडा होने का वेट करती हूँ मैं इसका। टमाटर हमारे रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं, देखिए माशाल्लाह इस तरह से। तो इसी स्टेज पे हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेते हैं, अच्छी सी एक बारीक सी महीन सी पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट को बना के हम इसको स्ट्रेन करेंगे, तो एक टाइम में जग में जितने पॉसिबल है तो मैं इतने जग में डाल लेती हूँ और इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेती हूँ। तो दिखाती हूँ आपको। ब्लेंडर में डालने के बाद हमने बनानी है कमर्शियल तरीके से, तो इसमें ये मैं तकरीबन लेवल करके 1 teaspoon जैंथम गम ये डाल देती हूँ। ये होती है थिकनेस के लिए, इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता, कोई इसका फ्लेवर नहीं होता, बस ये सिर्फ थिकनेस के लिए होती है, ताकि पानी और टमाटर अलहदा अलहदा ना हो, तो इसलिए कमर्शियल तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। तो मैं आज आपको कमर्शियल रेसिपी दे रही हूँ, तो इसलिए मैं जैंथम गम का यूज़ कर रही हूँ। तो ये लेवल करके 1 teaspoon ये डाल देते हैं, क्योंकि इसी के साथ हमने ब्लेंड करना है, अलहदा से हम इसको नहीं डाल सकते, ब्लेंडर में ही इसको ब्लेंड करेंगे। तो फर्स्ट बैच में ही मैं इसको डाल देती हूँ। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद स्ट्रेनर में हम इसको स्ट्रेन करेंगे। तो इस स्ट्रेनर का मैं यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी स्ट्रेनर है तो उसमें
डालते जाएं और इसमें स्पैचुला की मदद से निकालते जाएं, इस तरह करके आराम आराम से, तो कोई भी जो हमारा मोटा पार्ट है वो उसमें ना जाए। तो इस तरह स्ट्रेनर से हम स्पैचुला को चलाते हुए इसको निकाल लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे अच्छी तरह से। तहमुल से करते हुए हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं अच्छी तरह से। मैंने इसको स्पैचुला को चलाते हुए इसको स्टेन कर लिया। तो देखिए सिर्फ ये सीड्स और थोड़े से छिलके बाकी रह गए, तो बाकी के भी जो टमाटर है मैं इसी तरह उनको ब्लेंड करके और स्ट्रेनर में स्टेन कर लेती हूँ। जैंतम कम उसमें हम नहीं डालेंगे, बस फर्स्ट बैच में मैंने जितनी यूज़ की है उतना मैंने आपको बताया है। तो जैंतम गम जो होती है वो थिकनेस के लिए होती है, आइसक्रीम और मशरूबात में भी इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो कमर्शियल तरीके से बनाने के लिए अगर आप छोटा मोटा कोई कारोबार करना चाहते हैं तो इसका यूज करें, अदरवाइज अगर आप थोड़े से टमाटर की बनाना चाहते हैं तो फिर घर के लिए तो फिर इसको आप यूज ना करें। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और बाकी का बैच भी मैं इसी तरह स्ट्रेन कर लेती हूँ। स्ट्रेन करने के बाद टमाटर की प्योरी हमारे पास अच्छी सी स्मूथ सी टमाटर की प्योरी आ गई है। तो पहले चूल्हे पे रख के मैंने कर दिया इसके नीचे फ्लेम को ऑन, अभी बिल्कुल लाइट सा मैंने ऑन किया है। तो सबसे पहले डाल देंगे ये घर वाला नॉर्मल जो कप होता है, एक कप भर के चीनी ये डाल देती हूँ, 1 टीस्पून नमक ये डाल देती हूँ, 1 टीस्पून घर की सुरख मिर्च जो हम इस्तेमाल करते हैं ये डाल देती हूँ। जिस कप से मैंने चीनी ली थी इसी कप में विनीगर 1/2 कप ये डाल देती हूँ, व्हाइट विनीगर 1/2 टीस्पून, टार्टरी सिट्रिक एसिड जिसको कहते हैं या लीमू का सर्प भी कहते हैं ये डाल देती हूँ, 1/2 टीस्पून सोडियम बेंजोएट, ये प्रिजर्वेटिव के लिए होता है यानी चीज को प्रिजर्व करने के लिए लॉन्ग टाइम तक। आप अगर चाहें तो इस केचप को रूम टेम्परेचर पे रखते हुए 1 या 1.5 साल तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कमर्शियल रेसिपी देते हुए ये लाजमी डालूंगी, क्योंकि इसको मैं इसलिए यूज कर रही हूँ कि कोई ऐसे होते हैं जिनके पास फ्रिज नहीं होता या गाँव में होते हैं तो उनको लॉन्ग टाइम तक ये चीजें चाहिए होती हैं अपने घर के लिए, या देखा जाए तो इसको कमर्शियल के तौर पे यूज करते हुए आप छोटा सा बिजनेस भी घर से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने हल्का अहबाब से शुरू कर सकते हैं, अपने एरिया से शुरू कर सकते हैं। तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए सोडियम बेंजोएट यानी 2 kg हमारे टमाटर थे तो उसमें मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, तो ये प्रिजर्व करने के लिए इतना काफी है। देखा जाए तो सिरका भी प्रिजर्व करता है मगर वो ज्यादा से ज्यादा 8 दिन के लिए करेगा, और अगर आप इस पे टार्टरी यूज करेंगे तो टार्टरी से मजीद 2-4 दिन ऊपर इसके हो जाएंगे, इसकी लाइफ के ऊपर हो जाएंगे, मगर सोडियम बेंजोएट यूज करने से लॉन्ग टाइम यानी 1.5 साल तक आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख के भी यूज कर सकते हैं, तो ये खराब नहीं होगा। इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए ये डालना लाजमी है। ये मेरी आज की रेसिपी जो है ये कमर्शियल है, यानी इसको जो अगर कारोबार करना चाहती हैं मेरी बहनें, मेरे कोई भाई, इसके मौजूदा हालात देखा जाए तो कोई ना कोई काम हर एक को लाजमी करना चाहिए। तो आप इसको इस तरह से बनाते हुए बहुत अच्छा छोटा सा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने हल्का बाब में, अपना एरिया में। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कोशिश ज़रूर करें, तो कामयाबी देखें कोशिश करने से ही कुछ ना कुछ हासिल होता है, एक दूसरे के हाथों की तरफ देखने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरा मकसद था आज कमर्शियल रेसिपी देने को, तो बस मैंने अब इसको कलर देना है। तो कलर देने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ तो दिखाती हूँ आपको। कलर के लिए मैंने फूड कलर लिया है, तकरीबन 2 पिंच फूड कलर है, और इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, पानी के अंदर इसको डिजॉल्व करके तो मैं इसको डालूंगी। जितना भी कलर आपको चाहिए आप इस तरह हासिल कर सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा कलर डाल के मैं इसको चलाती जाऊंगी, तो जितना भी हमें डार्क चाहिए होगा मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का कलर हमें चाहिए और हमें कितना ये कलर पाउडर डालना है। आपके पास अगर लिक्विड है तो आप लिक्विड कलर भी डाल सकते हैं, मेरे पास पाउडर फॉर्म में था तो मैं इसको पानी में मिक्स करके इस तरह थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, और जितना मुझे चाहिए होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितना कलर, अभी तो मैंने 2 पिंच लिया है, अगर 2 पिंच से हमारा कलर अच्छा सा आ जाता है कमर्शियल की तरफ आ जाता है तो हमें 2 पिंच ही यूज़ करना है, अगर ज़्यादा चाहिए होगा तो मैं आपसे ये बात भी शेयर करूंगी कि 2 पिंच नहीं पड़ा, इससे ज़्यादा पड़ा है, मगर मुझे लगता है कि 2 पिंच इनफ है 2 kg
टमाटर के लिए देखिए कितना प्यारा सा कलर बिल्कुल बाजारी सा हो गया है। थोड़ा सा जो रह गया मैं ये भी डाल देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। 2 पिंच कलर डालने के बाद मुझे अभी भी लग रहा है कि इसमें कलर कुछ कम है, तो 2 पिंच मैंने और ले लिया है, पानी में डिजोल्व कर लिया है, तो इसको भी मैं आहिस्ता आहिस्ता करके डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके, ताकि एक अच्छा सा बिल्कुल बाजार के जैसा केचप का कलर हमारा आ जाए। तो इसको मैं तकरीबन सारा ही डाल देती हूँ और एक अच्छा सा कलर लाने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि इसमें हो जाएगा। अभी इसने पक के थोड़ा सा गाढ़ा भी होना है क्योंकि बबल अभी इसमें स्टार्ट नहीं हुए, फ्लेम को तो मैंने ऑन कर दिया है, तो पकने की तरफ है। पकते हुए थोड़ा सा भी ये डार्क होगा, तो कलर मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, बाकी आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको डार्क भी कर सकते हैं। तो इसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे मीडियम से हाई फ्लेम पे पकाते हुए। थिकनेस आपके सामने है, अभी और थिक होगा, अभी तो मींस कि चीनी ने भी अपना पानी छोड़ा है और विनीगर भी हमने डाला है, तो इसको हमने एक अच्छा सा थिकनेस की तरफ ले आना है पकाते हुए। तो मैं इसको दिखाती हूँ आपको जब इसमें अच्छा सा बॉईल आना शुरू हो जाए। मुसलसल इसको तकरीबन 15 मिनट हो गया लो फ्लेम पे पकाते हुए, चम्मच में मुसलसल साथ साथ चलाती रही हूँ ताकि किनारों पे जो लगे वो हमारा वेस्ट ना हो, तो उसको भी हमने अंदर करना है और जो नीचे तला है इस पे भी ना लगने पाए। तो चम्मच को मैंने मुसलसल चलाया है क्योंकि पैंदे में लगने का भी अंदेशा होता है, इससे टेस्ट भी खराब होता है और हमारी सब चीजें जाया होने का अंदेशा होता है। साइडों से भी आप स्पेचुला की मदद से साफ कर करके इसको दरमियान में करते जाएं ताकि कोई भी चीज हमारी जाया ना हो। तो थिकनेस से मालूम होता है कि हमारा केचप तकरीबन तैयार है। मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ तो बताती हूँ आपको कि देखें ये प्लेट में मैंने डाला है तो आपको चारों तरफ से कहीं से कोई पानी अलहदा से नज़र नहीं आएगा, तो यही इसकी थिकनेस सही होती है। और कुछ ठंडा होने के बाद भी इसने थिक होना है, कुछ मैं यूँ देखें कि आपस में ये जुड़ नहीं पाए, तो ये भी इसकी निशानी होती है कि ये इसकी थिकनेस बिल्कुल ठीक है। तो फ्लेम को कर देती हूँ मैं ऑफ और इसके ठंडा होने का वेट करती हूँ। ठंडा करने के बाद हम इसको कैसे बोतलों में डालेंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको और इसकी थिकनेस भी दिखाऊंगी ठंडा होने के बाद। केचप हमारा मुकम्मल ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो देखिए मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इस तरह का होना चाहिए, बन जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है, तो इसी तरह का केचप हमें चाहिए था। तो इसको मैंने रेडी कर लिया है, तो इसके लिए जो बॉटल्स मैंने तैयार की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इन बोतलों को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद इस तरह बास्केट में रख के 1 दिन की धूप में रख दिया ताकि अच्छी तरह से स्टरिलाइज हो जाए। तो इसमें किसी भी तरह की नमी नहीं रहनी चाहिए बोतलों में जिनमें हमने इनको पोर्ड करना है, डाल के रखना है या सेव करना है। तो बोतलों का आपने बहुत ध्यान करना है, गीली बोतल आपने यूज नहीं करनी, थोड़ा सा भी इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। तो बोतलों का तरीका यही है कि इसको धोने के बाद आप 1 दिन की धूप में लाजमी इसको रखें। तो चले इनको पोर कर लेते हैं बोतलों में इस तरह से। ये खुले मुंह की बोतल है तो इसमें मैं इसी तरह से डालूंगी, अगर तंग मुंह वाली बोतल होगी तो उसके लिए आप जो इसका टूल होता है जिसको कौन सी कहते हैं, तो उससे आप इसमें तंग वाली बोतल जिसका मुंह तंग हो तो उसमें डालें, तो इस बोतल में इस चम्मच से ही डल जाएगा। तो इस तरह करके मैं सारी बोतलें फिल कर लेती हूँ, तो दिखाती हूँ कि मैंने कितनी बोतलें फिल की। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी टमाटो केचप, हम किस तरह पूरा साल 2 साल के लिए हम इनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, यानी रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। उम्मीद है मेरे आज के टिप एंड ट्रिक और जो भी हदायत मैंने दी है इस पे अमल करते हुए आप कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, आप अपने घर के लिए भी सारा साल के लिए टमाटो केचप घर में बना के यूज़ कर सकते हैं। और हमें पता है कि हमने खालिस टमाटर यूज़ किया है, जबकि आपको पता है कि बाज़ार में मिलने वाले में टमाटर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल ही होता है। तो उम्मीद है मेरी थोड़ी सी बात को आप बहुत जानेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप क्या देखना चाहते हो और आप क्या पसंद कर रहे हैं, क्या नापसंद कर रहे हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।